एक और मुकाबला, एक और थ्रिलर, एक और बेहतरीन मैच हमें देखने को मिला, एक और लास्ट ओवर थ्रिलर हमें देखने को मिला। एमआई अपना पहला मैच जीती है। तो चलिए बात करते हैं ये डीसी वर्सेस एमआई के मुकाबले की। तो अगर हम पहले देखें तो एमआई ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया। और अगर हम दोनों टीम के पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं, अगर हम दोनों टीम के प्लेइंग 11 देखें तो आज पृथ्वी शॉ को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ने खिलाया, जिन्हें प्लेइंग 11 में खिलाने का मौका मिला। और यश डुल का आज डेब्यू हुआ। यश डुल इंडियन अंडर 19 के कैप्टन थे, उनका आज डेब्यू हुआ। तो इतने ही चेंजेस थे। और मुस्तफिजुर रहमान को भी आज मौका दिया गया। तो दिल्ली में ये तीन चेंजेस थे। अगर हम मुंबई के स्क्वाड की बात करें, मुंबई के स्क्वाड में कोई ज़्यादा बदलाव थे नहीं। नेहल वडेरा को मौका दिया गया और रायली मेरेडिथ को आज मौका दिया। रायली मेरेडिथ को साइन किया था मुंबई ने एज एन रिप्लेसमेंट, तो उन्हें आज मौका मिला, उन्हें आज मौका मिला। और अगर हम देखें मुंबई की स्क्वाड तो वही सेम टू सेम स्क्वाड थी। अभी हम बात करेंगे मैच की शुरुआत कैसे हुई। मैच की शुरुआत इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई, ठीक ठाक सी शुरुआत हुई मैच की। मतलब जैसे पिछले कुछ मैच में लगातार रन्स बरस रहे थे, लगातार तेज़ गति से रन्स बन रहे थे, उस तरीके से ये मैच में रन बने नहीं, आराम आराम से रन्स बन रहे। और पृथ्वी शॉ की पहली विकेट जाती है, ऋतिक शौकीन लेते वो विकेट। 15 रन पे पृथ्वी शॉ आउट हो जाते, सिर्फ 10 गेंदे खेलते, 3 चौके, छक्का एक भी नहीं, और 150 के स्ट्राइक रेट से पृथ्वी शॉ खेलते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होने वाला है डेविड वार्नर की इनिंग्स। डेविड वार्नर ने अभी तक आईपीएल में 200 बॉल्स खेले और एक भी छक्का नहीं मारा है। ये आईपीएल में एक रिकॉर्ड रहा है डेविड वार्नर। अगर आप उनका करियर रिकॉर्ड देखें तो 20 गेंदों में एक छक्का मार देते, लेकिन ये आईपीएल में करीबन 200 गेंदे खेलने वाले लेकिन एक भी छक्का नहीं लगा है। और अगर आप उनका इंटेंट देखेंगे वो भी कोई सवाल वाला इंटेंट होने वाला है, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज होने वाले, क्योंकि 47 गेंदों में आपने 51 रन मारे। आपकी टीम अगर आप थोड़ा सा तेज खेलते तो 180-190 का ये लक्ष्य होता, लेकिन आपने भी स्लो खेला इसलिए 172 पे दिल्ली की टीम रुक गई और 173 का टारगेट गया। लेकिन ये मैच में सबसे बड़ा पॉजिटिव बैटिंग में दिल्ली के लिए कौन रहा? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल, मैं बार बार वो सवाल पूछूंगा कि आप ललित यादव को अक्षर पटेल के पहले भेज रहे हैं, तो क्या आप अक्षर पटेल को ललित यादव के पहले नहीं भेज सकते? क्योंकि जिस तरीके से अक्षर पटेल का ये स्टेडियम में फॉर्म रहा है, इंडियन टीम के लिए वो खेलते तो भी वो ये स्टेडियम में अच्छा खेलते, और दिल्ली के टीम के लिए भी अभी तक उनकी बल्लेबाजी सबसे अच्छी रही है। तो अक्षर पटेल को आगे खिलवाइए, अक्षर पटेल को टॉप 5 में बल्लेबाजी का मौका दीजिए। अक्षर पटेल ने 25 गेंदों में 54 रन मारे, 4 चौके, 5 छक्कों की बदौलत से 216 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। और ऐसे लड़ते झगड़ते दिल्ली 172 तक पहुंची। टारगेट होना चाहिए था 180-190 का, लेकिन 172 तक पहुंची, 173 का लक्ष्य लगा बोर्ड पे। बाद में आए रोहित, मुंबई का राजा आज खेला। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, 45 गेंदों में 65 रन मारे, 6 चौके, 4 छक्के मारे, बेहतरीन रही उनकी बल्लेबाजी। आज उन्होंने इंटेंट भी दिखाया और आज सेट होने के बाद अच्छी इनिंग्स भी खेली उन्होंने, और वो बने मुस्तफिजुर रहमान के शिकार। ईशान किशन रन आउट हो गए, वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ बल्लेबाज दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और ईशान किशन ने अपनी विकेट दे दी और 26 गेंदों में वो 31 रन बना के आउट हो गए। बाद में हम बात करेंगे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ये बंदे में टैलेंट है, जिस तरीके से ये प्लेयर खेलता है ये बहुत जल्दी इंडियन कलर्स में भी खेलने वाला है, क्योंकि 29 गेंदों पर आपने 41 रन मारे। जिस तरीके से आपने बल्लेबाजी की, वो मुकेश कुमार के ओवर में आपने एक छक्का मारा, चौका मारा, बेहतरीन बल्लेबाजी की आपने, लेकिन वो मुकेश कुमार के ओवर में आउट भी हो गए आप। और बाद में टीम डेविड ऐसे इंपैक्ट प्लेयर आते, टीम डेविड के बल्ले से गेंद लगती नहीं है इतनी अच्छी, आखिरी तलक गेम जाता है, ये मैच एक और थ्रिलर देके जाता है। और आखिरी ओवर में आपको करीबन 5 रन चाहिए थे और एंड्रिस नोकिया क्या ही गेंदबाजी की इन्होंने डेथ में, शायद इन्होंने 2 ओवर डेथ में डाले और सिर्फ 10 जितने रन दिए वो 12 गेंदों में। बेहतरीन गेंदबाजी एंड्रिस नोकिया के द्वारा, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। एंड्रिस नोकिया को अगर हम देखिए, 4 ओवर में आज उन्होंने 35 रन खाए, 8.75 इकोनॉमी से। उन्होंने विकेट्स नहीं लिए, लेकिन वो बोलते हैं कभी कभी रिकॉर्ड्स आपको गलत चीज़ें बताते, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की गेंदबाजी की वो बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की। तो बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की और अच्छी गेंदबाजी के बदौलत मैच आखिरी तलक गया, लास्ट मूवमेंट तलक ये मैच गया और बेहतरीन ये मैच रहा। 6 गेंदों में आखिरी 5 रन चाहिए था, आखिरी 6 गेंदों में जिस तरीके का ये मुकाबला रहा, आखिरी 5 गेंदों में जब 6 रनों की आवश्यकता थी, एंड्रिस नोकिया ने बेहतरीन गेंदबाजी की और पहली गेंद पर 1 रन दिया। और ऐसे ही जब भी 2 रनआउट्स के मौके थे दिल्ली के पास, दोनों रनआउट्स नहीं हुए। आखिरी गेंद पर जब भी 1 गेंद पर 2 रन चाहिए थे, डेविड वार्नर अगर वो अच्छा थ्रो कर देते तो शायद से दिल्ली ये मुकाबले को जीतती, या तो सुपर ओवर तक ये मुकाबला चले जाता, लेकिन वो अच्छा थ्रो हुआ नहीं। अभी हम बात करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच आज का कौन था? आज के प्लेयर ऑफ द मैच थे पीयूष चावला मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से पीयूष चावला ने खेला,
पीयूष चावला ने 4 ओवर 22 रन सिर्फ खाए, 3 विकेट्स लिए, 5.50 की इकोनॉमी से सिर्फ गेंदबाजी की। और उनके 3 विकेट्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पहली विकेट मनीष पांडे के लिए, मनीष पांडे अच्छा खेल रहे थे लेकिन आपने उनकी विकेट ले ली, बाद में आपने दूसरी 2 विकेट ललित यादव की ली और एक और विकेट उन्होंने ली रोमन पॉवेल की। तो ये विकेट उन्होंने ली। सूर्य कुमार यादव के फॉर्म की अभी हम बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव पिछले सात आठ मुकाबलों में 4 बार 0 पे आउट हुए। सूर्य कुमार यादव को बहुत बुरा फॉर्म हो गया उनका, और जिस इंटेंट से वो खेलते लग भी रहा था कि कभी ना कभी उनके करियर में एक डाउनफॉल आने वाला है, शायद से ये वाला वो डाउनफॉल है, लेकिन वापस कमबैक करेंगे नो डाउट सूर्य कुमार यादव। लेकिन जब से वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आए ना तब से उनके फॉर्म थोड़ा सा खराब हो गया है, अच्छे से बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे, कमबैक करना होगा सूर्य कुमार यादव को भी। अभी हम बात करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच की, हमने बात कर ली, अभी हम गेम चेंजर ऑफ द मैच की बात करें। गेम चेंजर ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 45 गेंदों पर 65 रन मारते, इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते, टीम को शुरुआत से मैच में बनाए रखते और बेहतरीन बल्लेबाजी करते। अभी हम बात करेंगे, थोड़े से मीम्स रिव्यूज करेंगे हम, कि थोड़े से मीम्स बने हैं एमआई वर्सेस डीसी में तो उसके हम रिव्यू करेंगे। तो चलिए मीम्स का रिव्यू करते हैं। तो अगर हम पहला मीम देखें तो हम देखेंगे अभी ये एपिक क्रिकेट कमेंट का ये मीम है, रीजन ऑफ डेथ, रात भर आईपीएल मैचेस फिनिश होते देखता था। बिल्कुल ये रीजन ऑफ डेथ भी बन सकता है अगर कोई हार्ट पेशेंट हो, क्योंकि इतने थ्रिलर मैचेस हो रहे हैं, इतने आखिरी तलक मैचेस जा रहे, बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं। अभी एक और मीम है, वो है अभी अगर हम एक और मीम देखें तो वो है द क्रिक ट्रैकर का ये मीम है, मुंबई इंडियंस फाइनली। बिल्कुल मुंबई इंडियंस को फाइनली एक जीत मिली है और ये उनकी पहली जीत है। अभी हम बात करेंगे एमआई वर्सेस डीसी से, बिल्कुल बेहतरीन मुकाबला हुआ, आखिरी तलक ये मुकाबला गया, एक और थ्रिलर हमें देखने को मिला ये आईपीएल में। आईपीएल फैंस के तो मतलब मज़े ही आ गए जिस तरीके से उन्होंने खेल, जिस तरीके से उनको मैचेस देखने मिल रहे। अभी हम देखने वाले एक और मीम, ये सागर कैसम का ये मीम है, जिस तरीके से उन्होंने ये मीम बनाया है, आईपीएल सिंस लास्ट 3 डेज, एंटरटेनमेंट। बिल्कुल जिस तरीके से आखिरी 3 दिन से आईपीएल चल रहा है सिर्फ एंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि लगातार आखिरी मोमेंट तक मैचेस जा रहे हैं। अभी हम देखने वाले एक और मीम, उनका ही मीम है ये भी, ऋषभ पंत वॉचिंग डीसी मैचेस फ्रॉम हॉस्पिटल। बिल्कुल जिस तरीके से ऋषभ पंत देख रहे होंगे ये मैचेस, 4 मैच आप लगातार हारे, तो एक और अच्छा मीम है। अभी तो ये मीम्स का तो रिव्यू हो गया, अभी एक फन फैक्ट देखेंगे। अगर हम सूर्य कुमार के आखिरी 26 इनिंग्स देखें, जो लास्ट 26 इनिंग्स है सूर्य कुमार यादव, 4 बार सूर्य कुमार यादव लास्ट 26 इनिंग्स में डक पर आउट हुए, गोल्डन डक्स पर आउट हुए, मतलब 4 बार सूर्य कुमार यादव पहली गेंद पर आउट हो गए वो मैचेस के। अभी हम तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था, फन फैक्ट भी आपको मिल गया, एक बेहतरीन फन फैक्ट था। और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव का फॉर्म रहा है, कंसर्न है एमआई के लिए, एमआई और एक पहला मैच जीती है, डीसी को अभी भी खाता खोलना है, उनका अगला मैच है आरसीबी के खिलाफ, तो वो अच्छा होगा, उसका भी हम रिव्यू करेंगे जब भी मैच समाप्त होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए, क्योंकि सबसे पहले जो क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स आपको मिले, और क्योंकि ये आईपीएल का त्यौहार है, ये आईपीएल का महीना है, तो बहुत सारे अपडेट्स आने वाले, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो ये बेल आइकन भी दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।